दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले न्यू अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आपने कीबोर्ड तो बहुत सारा देखा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कीबोर्ड के बारे में जानेंगे जो कि सभी कीबोर्ड से अलग है, और ऐसा कीबोर्ड आपने आज तक नहीं देखा होगा। मैं 100% कह सकता हूं कि जो मैं कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा, ऐसा कीबोर्ड आपने आज तक नहीं देखा होगा। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, इसके कुछ फीचर्स के बारे में आपको दिखा देता हूं। यहां पर मान लीजिए हम व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहे हैं, ओके, यहां पर व्हाट्सएप पे हम किसी से चैट कर रहे हैं, तो ये देखिए यहां पर कुछ इस तरह से इसका कीबोर्ड है। बाकी जैसे में रहता है वैसा ही है, लेकिन इसमें फीचर्स इतने सारे हैं ना कि आप देखकर चौंक जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये सारा जो है वो फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पर आपको GIF चाहिए तो यहाँ पर आपको वो भी मिल जाएगा, कीबोर्ड में ही आपको मिल जाएगा GIF। यहाँ से डायरेक्ट आप किसी के पास भेज सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट अपने गैलरी में जा सकते हैं। इस कीबोर्ड से ही आप डायरेक्ट गैलरी में जा सकते हैं। यहाँ से ये देखिए हम डायरेक्ट यहाँ से गैलरी में चले आए, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है, जैसे कि आप इसमें अपने कीबोर्ड में नोट्स लिख सकते हैं। आपको नोट्स लिखना रहता है तो आप क्या करते हैं, कोई अदर एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करते हैं, लेकिन आप अपने कीबोर्ड में ही नोट्स लिख कर रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको वन हैंडेड मोड का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आपका एक हाथ बिजी है तो आप एक हाथ से आप किसी से चैट कर सकते हैं। यहाँ से आप एक हाथ से किसी से चैट कर सकते हैं, यहाँ पर फुल हो गया, यहाँ से वन हैंडेड मोड हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि अगर हम अपने कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं तो यहाँ पर बाद में शो होने लगता है, यहाँ पर शो होने लगता है, ओके। तो अब ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपको इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आप कुछ भी यहाँ पर सर्च करें, कुछ भी यहाँ पर आप लिखें, लेकिन आपका कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पर आपका शो नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन आपको ऑन कर देना है, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी आप टाइप करेंगे फिर बाद में यहाँ पर आपका शो नहीं होगा, सजेस्ट नहीं करेगा, ओके। और भी इसमें ऑप्शन है, जैसे कि इसमें आपको ट्रांसलेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं कोई भी वर्ड को, जिस लैंग्वेज में करना चाहें उस लैंग्वेज में आप यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर सारे लैंग्वेज आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद यहीं से आप डायरेक्ट जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इस कीबोर्ड से ही। आपको कुछ सर्च करना रहता है तो आप क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं। लेकिन आपने कीबोर्ड से कभी सुना है कि कीबोर्ड से हम कुछ सर्च कर सकते हैं? लेकिन इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है, डायरेक्ट यहीं से गूगल पे आप कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर टाइप कर दें यहीं से, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको कुछ लिखना है, देखिए गूगल यहाँ पर लिखते हैं, ओके, गूगल लिखकर, और यहीं से आप जो है अपने सर्च कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर गूगल ओपन हो गया, यहाँ से हम डायरेक्ट गूगल पे आ गए कीबोर्ड से ही। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है मैसेज लॉक का ऑप्शन, यानी कि अगर अपने गर्लफ्रेंड को कुछ भेजना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो जो मैसेज भेजे हैं वो आपकी गर्लफ्रेंड के अलावा कोई ना पढ़ ले, ये डर रहता है, लेकिन अब ऐसा इसमें सिस्टम है, जैसे कि अगर अपनी गर्लफ्रेंड को लिखते हैं आई लव यू, अब इसे हम लॉक करके भेजेंगे, यहाँ से जो है मैसेज को लॉक कर देंगे। यहाँ पर जो भी पासवर्ड डालना है वो पासवर्ड डाल देंगे, 9097 मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पे इंस्क्रिप्ट कर देंगे, ओके, इंस्क्रिप्ट कर देंगे, अब अपनी गर्लफ्रेंड के पास जो है वो इसे भेज देंगे। अब आप उसे जो है वो पासवर्ड बता देंगे कि मैंने ये पासवर्ड डाला है, तुम खोल कर देख सकती हो। यहाँ पर देखिए जो है वो आ गया, अब इसे देखना है तो क्या करेंगे, इस लिंक पर हम क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है देखिए पिन डालना है, यहाँ पर जो मैंने पिन डाला था वो बोल देंगे कि क्या मैंने पिन डाला है, और यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर गलत पिन डालेगी तो नहीं देख पाए। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से बने रहें, तभी जो है वो आप जान पाएगा इस सारे ट्रिक्स के बारे में। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए हम इस ट्रिक के बारे में जानते हैं, इस कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। तो चले उसको करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप भी अपने फोन के कीबोर्ड में कुछ इस तरह से करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को सबसे पहले कर देना होगा लाइक, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, और इसके बगल में घंटे का आइकन आ जाएगा तो इसे भी दबा देना होगा, ओके। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एक कॉमेंट भी कर देना होगा, जैसे कि नाइस, ऑसम, या फिर यहाँ पर अपना नाम लिख देना होगा,
ताकि मैं जान सकूं कि आप जो है हमारा वीडियो देखते हैं, मैं आपका जो है नाम पढ़ सकूं। तो यहाँ पर दोस्तों आप कुछ भी एक कमेंट कर दें, मैं आप सभी का कमेंट पढ़ता हूँ, उसे लाइक करता हूँ और उसे हर्ट देता हूँ। ओके, तो चलते हम जानते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको ये वो एप्लीकेशन है जिसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है, जिसका नाम है क्रोमा कीबोर्ड। तो इसके लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्टली वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ओके, तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद ये आपसे जो भी परमिशन मांगता है आपको कर देना होगा, और इसमें बहुत आसान सेटिंग्स है जो कि आपको सारा इनेबल कर देना होगा। फिर उसके बाद आप अपने कीबोर्ड में वो सारा जो है वो ऑप्शन कर सकते हैं, वो सारा फीचर्स आपके कीबोर्ड में आ जाएगा। तो बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।